इस वक्त की सारी बड़ी अपडेट के सामने मौजूद होते चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे, राहुल गांधी ने राम मंदिर वाले अयोध्या सीट पर बीजेपी की हार को लेकर ऐसा क्या कह दिया कि भाजपा के लोग बुरी तरीके से भड़के हुए हैं। दोस्तों इसी के साथ में हिमाचल प्रदेश के अंदर यूपी जैसे ऑर्डर को वापस ले लिया गया है, बताएंगे। गुस्से राहुल गांधी ने दखल देते हुए मंत्री को जोरदार फटकार लगाई है। इसी के साथ में दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के सांसद को लेकर किसने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है कि FIR दर्ज की गई है। इसी के साथ में बताएंगे भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री के दफ्तर में जोरदार तरीके से तोड़फोड़ की गई है। दोस्तों इसी के साथ में दिल्ली के अंदर हुए एक और चुनाव को लेकर हो गया है आपसी बवाल, बताएंगे। चुनाव होने के बाद भाजपा के उम्मीदवार जीतने को रद्द कर दिया गया है। दोस्तों इसी के साथ में क्या मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान की राजनीति को खत्म करने की हो रही है साजिश, बताएंगे। उनके खिलाफ एक मामला शुरू किया जा रहा है। दोस्तों विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के नेता पर रेप के लगे हैं गंभीर आरोप। एक एक करके चलेंगे पल पल की सारी बड़ी अपडेट की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि राहुल गांधी ने एकदम सही निर्णय लिया है हिमाचल प्रदेश में यूपी जैसा फैसला लेने वाले कांग्रेस पार्टी के मंत्री को बुलाकर फटकार लगाई गई, तो वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में इंडिया बदलेगा हालात देश में होगा परिवर्तन लिखकर जरूर बताएगा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले और सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर राहुल गांधी हरियाणा समेत जम्मू कश्मीर के अंदर प्रचार प्रसार करते नजर आए। राहुल गांधी की ओर से एक और ऐसा बयान दिया गया है जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं प्रवक्ताओं के बौखलाने का सिलसिला लगातार जारी है। दोस्तों राहुल गांधी ने एक बड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी हार गई क्योंकि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में अडानी अंबानी दिखे क्योंकि गरीब नहीं दिखा, इसलिए भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। अब बीजेपी के प्रवक्ता और सोशल मीडिया पर अंधभक्त करने वाले भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों की ओर से राहुल गांधी पर निशाना साधा जा रहा है। आपका क्या मानना है दोस्तों, क्या उन्होंने सही टिप्पणी की है? जो भी आपको लगता है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने हिमाचल प्रदेश की सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह को तलब किया है और सरकार की ओर से जारी किए गए हालिया आदेश को लेकर नाराजगी जाहिर की है। दरअसल दोस्तों उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कावड़ के समय से ही दुकानों पर दुकानदारों के नाम लिखने, कर्मचारियों के नाम लिखने की बातें कही गई थी, आदेश जारी किया गया था, इसे खासकर मुस्लिम समुदाय के नामों को अलग करके देखने से जोड़कर देखा जा रहा था, यानी एक तरीके से मुस्लिम दुकानदारों के लिए समस्या उत्पन्न करने की कोशिश की जा रही थी। अब हिमाचल प्रदेश के अंदर भी कांग्रेस पार्टी के मंत्री ने ऐसा ही बयान दिया था विक्रमादित्य सिंह ने, उन्होंने भी कहा था कि हिमाचल प्रदेश के अंदर भी दुकान के बाहर खाने पीने की दुकान के बाहर नाम लिखना पड़ेगा कि किसकी दुकानें हैं, और इस तरीके की बातें कही गई थी, मैंडेटरी करने वाले थे। लेकिन अब जब कांग्रेस पार्टी का इस पूरे मामले पर जोरदार विरोध हुआ तो कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने खुद से जिम्मेदारी संभाली और भारतीय जनता पार्टी के रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहे विक्रमादित्य सिंह को दिल्ली में बुलाकर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने फटकार लगाई है। दोस्तों आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश की सरकार ने कहा है कि रेडी फास्ट फूड कॉर्नर और ढाबा मालिकों को काउंटर का अपना नाम और आईडी यानी पहचान का दस्तावेज अब नहीं लगाना पड़ेगा। याद दिलाना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने भी इसी तरीके का निर्णय लिया था। अगर आप भी मानते हैं कि राहुल गांधी ने खुद से पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए फटकार लगाई और मंत्री से फैसला वापस करवाया है तो यह सही निर्णय है, इसकी तारीफ की जानी चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि सभी को अपडेट पहुंचती रहे। चलते हैं एक और बड़ी जानकारी की तरफ, जहां पर हरियाणा के अंदर इसराना विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है कृष्ण लाल पवार और उनकी एक जानकार महिला भी है। पूर्व सरपंच ने इन दोनों को लेकर अभद्र टिप्पणी की है जिसका वीडियो यूट्यूब पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया जा रहा। आपा खोते हुए उन्होंने सांसद पर कई सारे आरोप लगा दिया। वीडियो में पूर्व सरपंच ने पहले 64 वर्षीय महिला और सांसद कृष्ण लाल पवार को लेकर आपत्तिजनक बातें कही, हालांकि पूरे मामले पर अब FIR दर्ज कर ली गई है। दोस्तों इसी के साथ में महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के ऑफिस में एक महिला अचानक से घुस आई और इसके बाद जहां तहां तोड़फोड़ की गई। आपको बता दें कि दफ्तर में नेम प्लेट तोड़ दिया गया, जमकर नारेबाजी की गई। हालांकि जब वीडियो सामने आया तो अब जांच पड़ताल की जा रही है, पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि यह महिला कौन थी। नेवी ब्लू शर्ट और काली जींस पहनी महिला सिल्वर रंग का बैग लेकर पहुंची थी, वह मंत्रालय में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के दफ्तर के दरवाजे पर लगी नेम प्लेट तोड़ रही थी। कुल मिलाकर दोस्तों इस पूरे मामले पर अब जब गिरफ्तारी की जाएगी तभी पता चलेगा कि आखिर मामला क्या है। लेकिन जिस तरीके से भाजपा को लेकर लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है, हो सकता है कि कोई व्यक्ति हो जिसका बीजेपी के शासन काल के दौरान बड़ा नुकसान हो गया हो, उसने इस तरीके का विरोध किया हो। जो भी जानकारी आगे आएगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। साथ हिमाचल प्रदेश वाले फैसले को वापस लिए जाने पर अब बड़े बड़े पत्रकारों की ओर से भी राहुल गांधी की तारीफ की जा रही है। दोस्तों हिमाचल प्रदेश के मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह ने केसी वेणुगोपाल से भी मुलाकात की है, यानी लग रहा है कि अच्छा खासा फटकार लगाया गया है। साथ साथ दोस्तों दिल्ली के अंदर MCD के स्टैंडिंग कमेटी की अंतिम खाली सीट के लिए शुक्रवार को बीते दिन वोटिंग हुई। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट यहां पर चुनाव जीत गए। चुनाव जीतने का सबसे बड़ा कारण यह था कि आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने कांग्रेस पार्टी के पार्षदों के साथ मिलकर चुनाव के बहिष्कार का ऐलान किया था, यानी चुनाव वो लड़ ही नहीं। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट यहां पर चुनाव जीत गया। इस जीत के साथ दिल्ली नगर निगम में 18, स्थायी समिति में भारतीय जनता पार्टी के 10 मेंबर हो गए, जबकि आम आदमी पार्टी के केवल 8 सदस्य हैं। जिस सीट पर चुनाव हुआ वो भारतीय जनता पार्टी के नेता कमलजीत सहरावत के पश्चिम दिल्ली से सांसद चुने जाने के बाद हो रहा था। दोस्तों इस पूरे मामले पर अब तो और ज्यादा दिलचस्प घटनाक्रम देखने को मिल रहा है, ऐसा इसलिए क्योंकि दिल्ली की आम आदमी पार्टी के नेत्री और MCD की मेयर शैली ओबराय की ओर से घोषित स्टैंडिंग कमेटी के 6वें सदस्य के चुनाव को अवैध और असंवैधानिक बता दिया गया है, अमान्य घोषित कर दिया गया है। अब देखते हैं ये मामला क्या कोर्ट में जाएगा दोस्तों, क्योंकि मेयर ने अपनी पावर का इस्तेमाल कर दिया है और भारतीय जनता पार्टी को अपना नया सदस्य मिला है जिसे
अभी मान्यता तो नहीं मिल रही है, तो क्या कोर्ट में भारतीय जनता पार्टी के लोग पहुंचेंगे? जो भी जानकारी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। साथ साथ कुमारी शैलजा बोली, कहा मेरे खून में कांग्रेस है, मरते दम तक कांग्रेस पार्टी में रहूंगी, बीजेपी इस तरीके के हथकंडे अपनाती रह जाएगी लेकिन उसे कोई फायदा नहीं होगा। कुल मिलाकर दोस्तों कुमारी शैलजा दो टूक साफ शब्दों में कह रही है कि वो कांग्रेस पार्टी की कट्टर नेत्री है और कांग्रेस पार्टी में बनी रहेंगी। उनके पिता जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी में रहकर पूरी जिंदगी राजनीति करते चले आए, तो इसी तरीके से कुमारी शैलजा भी पूरी जिंदगी कांग्रेस पार्टी में ही रहेंगी। कुमारी शैलजा के द्वारा इन बातों से स्पष्ट कर दिया गया है कि भारतीय जनता पार्टी के पास अब कोई विकल्प नहीं है हरियाणा को लेकर। साथ साथ दोस्तों अब असली मुद्दों पर बातचीत करनी ही पड़ेगी। और इसी के साथ में क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता जानबूझकर शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं? ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि मोदी और शिवराज सिंह चौहान एक राज्य में सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड बना चुके हैं। नरेंद्र मोदी से भी ज्यादा समय तक शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, यानी गुजरात के उनका रिकॉर्ड शिवराज सिंह चौहान ने तोड़ दिया था दोस्तों। इसके बाद अगर वो फिर से मुख्यमंत्री बन जाते तो लोग कह रहे थे कि कहीं ना कहीं मोदी को चैलेंज कर सकते हैं। शायद यही बड़ा कारण है कि अब नरेंद्र मोदी ने उनको मुख्यमंत्री के पद से हटाकर मोहन यादव को सरकार की जिम्मेदारी दे दी और शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्री बना दिया। लेकिन अब जो बड़ी अपडेट आ रही है उसके अनुसार मोहन यादव सरकार के आदेश के बाद व्यावसायिक परीक्षा मंडल के चर्चित भर्ती महाघोटाले की सुई एक बार फिर से शिवराज सिंह चौहान की ओर मुड़ गई है। दरअसल दोस्तों विपक्ष ने उनके इस्तीफे की मांग तेज कर दी है। मोहन यादव के द्वारा बुने गए जाल में उनकी अपनी कैबिनेट में डिप्टी सीएम और दलित नेता जगदीश देवड़ा भी फंस गए हैं। मोहन यादव सरकार में शिवराज सरकार के कार्यकाल में व्यावसायिक परीक्षा मंडल परीक्षा के माध्यम से परिवहन विभाग में हुई 45 आरक्षकों की नियुक्तियों को रद्द करने का आदेश दिया है। सरकार के फैसले से परिवहन महकमे के साथ राज्य की राजनीति भी गर्मा गई है दोस्तों। कुल मिलाकर क्या जानबूझकर पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है? क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं कि नरेंद्र मोदी के बराबरी अगर किसी नेता ने किया है तो शिवराज सिंह चौहान ने किया है। आपकी जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कर्नाटक के पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के विधायक मुनि रत्ना पर एक महिला ने गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला ने बीजेपी के नेता पर आरोप लगाया है कि उसने विधानसभा के अंदर भी महिला के साथ रेप किया है दोस्तों। यानी रेप के गंभीर आरोप भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता के ऊपर लगा है। आपको बता दें कि बीजेपी का विधायक मुनि रत्ना पर पहले भी कई सारे मामले रिकॉर्ड किए जा चुके हैं दोस्तों, और दलित समाज के लोगों को लेकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने पर गिरफ्तारी की गई थी, और अब नए मामले में गिरफ्तारी की जा सकती है, यानी गंभीर मामले में गिरफ्तारी की जा सकती है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि ये काफी गंभीर मामला है कि एक महिला विधानसभा में भी सेफ नहीं है, आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। काफी गंभीर मामला है। इसी के साथ में राहुल गांधी ने पूरी की फारूक अब्दुल्ला की डिमांड बढ़ाई, रैलियों की संख्या। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी जम्मू कश्मीर में दो दो रैली करते हुए दिखाई दिए। बीते दिन भी उनकी कई रैलियां हुई, उनकी बहन प्रियंका गांधी भी चुनावी हुंकार भरेंगी। बताया जा रहा है कि फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला की सलाह के बाद गांधी परिवार की ओर से रैलियों की संख्या बढ़ाई गई है। राहुल गांधी पहली रैली रामगढ़ में 12:15 पर करते दिखाई दी और दूसरी रैली 1:30 के आसपास उन्होंने की है दोस्तों। इससे पहले 25 सितंबर को जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी ने दो रैली को संबोधित किया था। इसके बाद प्रियंका गांधी आज जम्मू कश्मीर के अंदर चुनावी प्रचार का आगाज करने वाली है। इससे पहले हरियाणा में प्रचार करते नजर आई थी। कुल मिलाकर दोस्तों ऐसा लग रहा है कि अब फारूक अब्दुल्ला उमर अब्दुल्ला के कहने के बाद अब कांग्रेस पार्टी अपने कैंपेन को और तेज करने जा रही है, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला को पता है कि राहुल गांधी अगर ज्यादा से ज्यादा रैलियां करेंगे तो इससे इंडिया गठबंधन को फायदा मिलेगा, क्योंकि एनसी पार्टी इस बार काफी कमजोर चुनाव लड़ रही है जैसा कि ग्राउंड एनालिसिस सामने आ रहा है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी को ज्यादा मजबूती से चुनाव लड़ना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतनी पड़ेगी। साथ साथ दोस्तों हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर राहुल गांधी असंध में रैली करते दिखाई दिए। इस दौरान राहुल गांधी ने एक साथ फिर से कुमारी शैलजा भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इकट्ठा करके साफ संकेत कार्यकर्ताओं को दे दिया है कि पार्टी एकजुट है और मिलकर चुनाव लड़ रही है। नाराजगी के बाद हुड्डा और शैलजा पहली बार एक दूसरे के साथ मंच पर नजर आए। कुमारी शैलजा ने हरियाणा चुनाव से पहले किसी भी आपसी मतभेद का खंडन किया है। अपने संबोधन में शैलजा ने कहा कि शमशेर सिंह गोगी के नामांकन में ही आपने साबित कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी एक तरफा जीत रही है। राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव में खुद को साबित कर मोदी की बोलती बंद कर दी है। उन्होंने कहा कि लोगों को भाजपा के कुशासन से मुक्ति दिलानी है, सब वर्ग इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि 5 अक्टूबर को यही उत्साह दिखाई देना चाहिए, पार्टी के लोग बूथ पर पूरी तरीके से एक्टिव हो जाए और एक बड़ी जीत कांग्रेस पार्टी को दिलाए। कुल मिलाकर दोस्तों कुमारी शैलजा की ओर से यह कहना कि राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी की बोलती बंद कर दी है यही इस बात के स्पष्टीकरण है कि कुमारी शैलजा कहीं नहीं जा रही है। कांग्रेस पार्टी की एक सबसे प्रसिद्ध सबसे पुरानी नेत्री है और दलित समाज के वोट पूरी तरीके से कुमारी शैलजा के नाम पर हरियाणा के साथ में एकजुट रहेंगे, हरियाणा कांग्रेस के साथ एकजुट रहेंगे। आपका क्या मानना है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बिग ब्रेक न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने शुक्रवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान केंद्रीय मंत्री ने बंगाल में बिहार के छात्रों से मारपीट को लेकर गंभीर चिंता जाहिर की। इस तरीके से मीडिया में रिपोर्ट छपाई गई है दोस्तों, यानी सरकार भाजपा की राज्य में चल रही है और बीजेपी की केंद्र में भी सरकार चल रही है। इसके बावजूद बिहार के लोग इस बात के लिए मजबूर है कि उनको नौकरियां और शिक्षा के लिए बंगाल जाना पड़ रहा है, उस बंगाल जिसे भारतीय जनता पार्टी की माने तो ममता बनर्जी ने बर्बाद कर दिया है, जबकि हकीकत यह है कि बिहार के लोग वहां रोजगार और शिक्षा के लिए जाते हैं दोस्तों। इस तरीके के मारपीट के मामले पर अब मीडिया में रिपोर्टें छप रही है कि भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी नेता केंद्रीय मंत्री नाराज चल रहे हैं और चिंता जाहिर कर रहे हैं। कुल मिलाकर दोस्तों चिराग पासवान, नीतीश कुमार, भारतीय जनता
जनता पार्टी सब के सब एक गठबंधन का हिस्सा है, सरकार का हिस्सा है। अगर ये केवल चिंता जाहिर करते रहेंगे तो फिर बिहार के लोगों का पलायन कौन रोकेगा? कुल मिलाकर 222 साल से राज कर रही भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के लोगों को अब एक बार बैठकर सोचना चाहिए कि कब तक लोगों को मूर्ख बनाएंगे, क्योंकि ये एक दो साल का मामला नहीं है, 200 साल से राज्य में शासन में है और उसके बाद इस तरीके के मामले आते हैं तो केवल चिंता जाहिर करके मामले पर केवल अखबारों में रिपोर्टें छपवा ली जाती है। आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। क्या आप मानते हैं कि ये केवल लोगों को फिर से मूर्ख बनाने और आंखों में धूल झोंकने का मामला है? साथ साथ हरियाणा के अंदर कुमारी शैलजा कांग्रेस पार्टी के साथ मजबूती से खड़ी है, इसके बावजूद दोस्तों ऐसा लग रहा है कि कुछ अपने आप को दलित नेता बताने वाले मीडिया में रिपोर्टें छपाकर बता रहे हैं कि वो दलित महापंचायत बुला रहे हैं और हुड्डा के समर्थकों को चुनाव हराएंगे, कुमारी शैलजा का अपमान का बदला लेंगे। इस तरीके से दलित महापंचायत संघ के प्रदेश अध्यक्ष ये दावा करते हैं, जिनका नाम कुलदीप भुकल है, उन पर कई सारे आरोप लगते आए हैं दोस्तों। दावा किया जाता रहा है कि वो एससी एक्ट के नाम पर वसूली गैंग चलाते हैं और खासकर दिल्ली की मीडिया उनको जानबूझकर हाईलाइट कर रही है ताकि दलित समाज के बीच में मैसेज जाए कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी का विरोध करना, एक तरीके से कुमारी शैलजा के अपमान के नाम पर कांग्रेस पार्टी का विरोध करने की जो बातें चलाई जा रही है दोस्तों। ऐसा लग रहा है कि चुनाव के एक बड़े एजेंडे के तहत ऐसा चल रहा होगा। लोगों ने सोशल मीडिया पर कहा कि मीडिया और बीजेपी आईटी सेल अब यही काम करेगी, जाति वाला कार्ड खेलना चाहते हैं। और एक और तथ्य बताते हुए दावा किया गया है कि 20 सितंबर को यौन शोषण पीड़िता दलित युवती से पैसा हड़पने का भी आरोप लगा हुआ है और इसके लिए केस भी दर्ज किया गया था, तब जाकर ये दलित महापंचायत संघ के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप भुक्कल कांग्रेस पार्टी और हुड्डा का विरोध करने का दावा कर रहे हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या ये मामला एकदम सिंपल है कि एक व्यक्ति जिसने एक संगठन बना रखी है वो कांग्रेस पार्टी का विरोध कर रहा है, या फिर रणनीति के तहत आगे किया गया पूरा मोर्चा है? जो भी आपको लगता है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें जुलाना से कांग्रेस पार्टी की विनेश फोगाट के सामने चुनाव लड़ रहे इनेलो के सुरेंद्र लाठर का एफिडेविट सामने काफी ज्यादा वायरल हो रहा है दोस्तों। उन्होंने कहा कि अगर वो वादा पूरा नहीं करेंगे तो फिर विधायक की पोस्ट से इस्तीफा दे देंगे। 100 रुपए का स्टाम्प उन्होंने साइन किया है, इसमें वादे गिनवाए हैं। उन्होंने कहा कि मेरे कुछ वादे हैं जो पूरा करके दिखाऊंगा विधायक बनते ही। उन्होंने लिखा कि अगर मैं विधायक बना तो सबसे पहले 25,000 युवाओं को नौकरी दिलाने का काम करूंगा, दूसरा ये कि जुलाना हल्के के हर गांव में पीने का पानी की सबसे बड़ी समस्या है, विधायक बनते ही प्राथमिकता के आधार पर पीने के पानी की इस समस्या का समाधान करेंगे, तीसरा ये कि जुलाना में भव्य किसान मजदूर भवन का निर्माण कराया जाएगा, और इसके बाद चौथा वादा वो करते हैं कि हरियाणा में बजट में जुलाना का हिस्सा 11,000 करोड़ रुपए है, वहां की जनता से पूछकर और जहां वे कहेंगे वहां पर हर बूथ पर 55 करोड़ रुपए खर्च करूंगा। इस तरीके का ऐलान उन्होंने किया है, दावा वो कर रहे हैं और 100 रुपए के नोटरी पेपर पर उनकी ओर से ये वादा किया गया है दोस्तों। कुल मिलाकर ऐसे कई सारे प्रमाण देखने को मिले हैं जब नेता नोटरी पेपर पर लिखकर देते हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो इस्तीफा दे दूंगा। पप्पू यादव की ओर से भी बिहार में ऐसा किया गया था, हालांकि पप्पू यादव एक विश्वसनीय नेता है, उनके नाम पर लोग वोट डालते हैं और लोगों को पता है कि वो जमीनी स्तर पर काम करेंगे, बिहार छोड़कर नहीं जाएंगे, दिल्ली के चक्कर नहीं लगाने लगेंगे, बिहार में ही रहते हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं, अभी भी बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात कर रहे हैं और प्रशासन के लोगों से बाढ़ की राहत पहुंचाने की बार बार मांग की जा रही है। साथ साथ दोस्तों तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन ने दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी के संसदीय दल की अध्यक्षा सोनिया गांधी से मुलाकात की है दोस्तों। इस दौरान कई सारे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई है दोस्तों। आपको बता दें कि एम के स्टालिन ने इससे पहले राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बताया था, प्रधानमंत्री पोस्ट के लिए सबसे सुटेबल कैंडिडेट बताया था और अब उनकी मुलाकात हो रही है। तो क्या फिर आने वाले दिनों को लेकर एक रणनीति तैयार हो रही है? क्या देश के अंदर केंद्रीय स्तर पर राजनीति में कुछ बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे? जो भी जानकारी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। साथ साथ दोस्तों आकाश बनर्जी जो एक YouTube चैनल चलाते हैं द देशभक्त, उनकी ओर से एक शो किया गया था, इसमें जेन्युइन और फ्रॉड लिखते हुए राहुल गांधी को इसलिए कटघरे में खड़ा किया गया था कि उनके सरकार के एक मंत्री की ओर से यूपी मॉडल लागू किया गया है। हालांकि राहुल गांधी ने 2 दिनों के अंदर ही करारा जवाब देते हुए उस विधायक को जोरदार फटकार लगाई है और पूरे आदेश को वापस करवाया है। इसके बाद लोग पूछ रहे हैं कि क्या द देशभक्त यानी आकाश बनर्जी अपने वीडियो को हटाएंगे या फिर राहुल गांधी के नए निर्णय का समर्थन करेंगे। कुल मिलाकर दोस्तों राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए वीडियो तो उन्होंने बना दिया, लेकिन राहुल गांधी के आदेश के बाद क्या वो कहेंगे कि राहुल गांधी ने सही निर्णय लिया है और इसके लिए उनकी तारीफ होनी चाहिए, सबसे बड़ा सवाल है। इसी के साथ में राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार और निर्मला सीतारमण से पूछे कई सारे बड़े सवाल। उन्होंने कहा कि अगर आप एक क्रीम खरीदने के लिए जाए खाने वाला क्रीम तो आपको 5% का जीएसटी देना पड़ेगा, अगर आप एक बन खरीदने के लिए जाए तो आपको 5% का जीएसटी देना पड़ेगा, लेकिन दोस्तों अगर आप क्रीम बन खरीदने के लिए जाए तो आपको 18% जीएसटी देना पड़ेगा। इस तरीके का टैक्स का पूरा सिस्टम भाजपा की सरकार ने तैयार कर रखा है जो एकदम इलॉजिकल है, एकदम ही कुतर्क वाला है, जो कोई बच्चा भी कहेगा ये तो एकदम तर्कहीन बातें हैं। यानी अगर आप क्रीम और बन अलग अलग खरीदेंगे तो आपको 5% ही मात्र जीएसटी देना पड़ेगा और अगर आप क्रीम बन एक साथ खरीदेंगे तो आपको 18% जीएसटी देना पड़ेगा। यानी इस लेवल का कुतर्क चल रहा है दोस्तों देश के अंदर। इसी को जस्टिफाई करते हुए फाइनेंस मिनिस्टर की ओर से बड़ी बड़ी बातें की जाती है और मीडिया में भी पूरे पूरे शो किए जाते हैं, ऐसे दिखाया जाता है कि ये बहुत बड़ा एक टैक्स रिफॉर्म लेकर आई है मोदी सरकार, लेकिन हकीकत सबको पता है। साथ साथ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अपने कार्यक्रम में फरियाद लेकर आए व्यक्ति को करहल थाने में बंद करवा दिया, समाजवादी पार्टी की ओर से वीडियो भी शेयर किया गया है दोस्तों। आपको बता दें कि करहल विधानसभा में इस बार चुनाव उपचुनाव होने वाले हैं और ऐसे में जनता फरियाद लगाने के लिए आ रही है उनके चुनावी कार्यक्रम में, लेकिन इस तरीके से एक व्यक्ति को थाने में बंद करवा देना काफी गंभीर मामला है। समाजवादी पार्टी ने
सवाल खड़े किए हैं, जवाब मांगा है, हालांकि अब तक कोई जवाब तो आया नहीं। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब, इसलिए बार बार अमित शाह और मोदी को हरियाणा का दौरा करना पड़ रहा है। यह भारतीय जनता पार्टी के साथ में लगभग 4.5 साल तक सरकार चलाने वाले दुष्यंत चौटाला दावा कर रहे हैं। दुष्यंत चौटाला अगर ये बयान दे रहे तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी की स्थिति और ज्यादा डामाडोल है, क्योंकि दुष्यंत चौटाला चाहे कितना भी जोर जोर से बोल ले कि वो बीजेपी के साथ में नहीं जाएंगे, जनता को पता है कि जैसे ही चुनाव खत्म होगा तो सबसे पहले गड़बड़ियां करते नजर आएंगे। और इसीलिए दुष्यंत चौटाला का यह बयान कि भाजपा की हालत खराब है, कहीं ना कहीं दोस्तों इसमें एक सच्चाई भी है, और सच्चाई से भी ज्यादा कहा जा सकता है कि बीजेपी का सूपड़ा साफ हो रहा है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े नेताओं को मैदान में उतार रही है। साथ साथ दोस्तों दिल्ली विधानसभा सदन के अंदर एक बार फिर से बीजेपी के नेता ओम प्रकाश शर्मा के द्वारा गलत भाषा का इस्तेमाल किया गया है। आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ में इस तरीके से नोकझोंक देखने को मिली, तो अब आम आदमी पार्टी के नेता नरेश बालियान बोले, कहा दिल्ली विधानसभा सदन में गाली गलौज तू तड़कर बदतमीजी करने वाले भारतीय जनता पार्टी विधायक ओम प्रकाश शर्मा है, इन्होंने सदन के स्तर को कहां पहुंचा दिया है। गुंडे मवाली जब सदन पहुंचे हैं तो सदन का मर्यादा तार तार ऐसे ही हो जाता है। इन्हें पता है कि देश में तानाशाही चल रही है, इन्हीं के गुंडागर्दी चल रही है, तो ये सदन में गाली गलौज कर रहे हैं। कोई बात नहीं, इस बार इस लायक भी नहीं रहोगे, यानी आने वाले चुनाव की ओर संकेत देते हुए उन्होंने ये बातें कही है। साथ साथ दोस्तों मुख्यमंत्री कर्नाटक के सिद्धरमैया के खिलाफ लैंड स्कैम के मामले को लेकर FIR दर्ज की गई है। स्पेशल कोर्ट ने लोकायुक्त को कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। हाईकोर्ट ने भी जांच करने को कहा है। दरअसल कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया के खिलाफ लोकायुक्त पुलिस ने शुक्रवार को 27 सितंबर को मैसूरू शहरी विकास प्राधिकरण घोटाला मामले में FIR दर्ज की है। कर्नाटक के एक स्पेशल कोर्ट ने लोकायुक्त टीम को जांच का जिम्मा सौंप दिया है। दरअसल कर्नाटक के गवर्नर थावरचंद गहलोत ने 16 अगस्त को इस घोटाले में सिद्धरमैया के खिलाफ जांच के आदेश दिए थे। सिद्धरमैया इसके खिलाफ हाईकोर्ट गए थे, लेकिन 24 सितंबर को अदालत ने कहा कि जांच का आदेश सही है और यह होना चाहिए। सिद्धरमैया के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है दोस्तों। हालांकि कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से सिद्धरमैया के साथ में है, पूरा का पूरा कैबिनेट कह रहा है कि वो मुख्यमंत्री के साथ मजबूती से खड़े हैं, इसमें कोई इफ और कोई बट नहीं है। साथ साथ दोस्तों मुस्लिमों के खिलाफ जहर उगलने वाले और समाज में झूठ परोसने वाले, अपने आप को बड़ा एंकर बताने वाले अमन चोपड़ा पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई, ये एक बड़ा सवाल है। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि जब खबर सामने आई कर्नाटक के अंदर महालक्ष्मी से जुड़ी हुई की हत्या कर दी गई है, टुकड़े कर दिए गए हैं, तब मुस्लिम से जोड़कर इस मामले को फैलाया गया था। एक मुस्लिम का नाम लिया जा रहा था और बताया जा रहा था कि उसके मुस्लिम दोस्त ने ऐसा किया है। हालांकि जब अब खबर पूरी तरीके से स्पष्ट हो गई है कि नॉन मुस्लिम एक हिंदू व्यक्ति जो था उसने इस तरीके की हरकतें की थी, उसने एक नोट भी छोड़ा है, पूरी जानकारी दी है कि ऐसा उसने क्यों किया है। ये इतनी सारी खबर सामने आने के बाद, सच्चाई सामने के आने के बावजूद अभी तक एक भी ऐसा शो नहीं किया गया जिसमें माफी मांगी गई हो कि उन्होंने झूठ फैलाया था। कुल मिलाकर दोस्तों देश में भ्रम पैदा करने के लिए और एक तरीके से मुस्लिम विरोधी माहौल बनाने के लिए जो शो किए जा रहे हैं, इस पर कोई लगाम देखने को नहीं मिल रहा है। और बड़ी बात यह है कि बिना तथ्यों के पहले तो शो किया गया, और अब जब तथ्य सबके सामने, सच्चाई सबके सामने आ गई है, तो इस पर एक शो करके भी माफी मांगना तो दूर की बात, दूर दूर तक अब दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। अंबानी जैसे बड़े कॉर्पोरेट घराने के पैसे से चल रहे इन न्यूज एजेंसी में इस तरीके की हरकतें की जा रही है, और इसीलिए राहुल गांधी कहते हैं कि न्यूज मोदी और उनके दो मित्र, इनका एक पूरा नेक्सस चल रहा है, पूरा नेटवर्क चल रहा है, एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं। मीडिया मोदी के लिए माहौल बनाता है और मोदी अपने व्यापारी दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए काम करते हैं, फिर व्यापारी दोस्त उसी मीडिया को चलाने के लिए मदद करते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों एक सर्कल बना हुआ है, नेक्सस बना हुआ है इस तरीके के राहुल गांधी के आरोप में। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूर हकीकत है, और इस तरीके के मामले सामने आने के बाद जरूर लोगों के मन में ये सवाल खड़े होते हैं। दोस्तों आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ घोसी से समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय को जान से मारने की धमकी मिली है। पूर्वांचल में सबसे बड़ी जीत हासिल करने वाले सांसद राजीव राय को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा मिलनी चाहिए, समाजवादी पार्टी के नेता मांग को कर रहे हैं। साथ साथ दोस्तों यूपी के अंदर कौन ये जादू टोना भ्रम फैला रहा है और कौन अंधविश्वास फैला रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि एक खबर सामने आई जहां पर दूसरी क्लास में पढ़ने वाले एक बच्चे की हत्या केवल इसलिए कर दी गई क्योंकि काला जादू करते हुए अंधविश्वासियों को लग रहा था कि इससे उनके स्कूल को एक फेम मिलेगा, एक पॉपुलैरिटी मिलेगी और उसका स्कूल चल जाएगा। इस तरीके के मामले सामने आने के बाद डायरेक्टर समेत 3 टीचर्स को पकड़ा गया है। दोस्तों इस पर नेहा सिंह राठौर बोली, कहा स्कूल को मशहूर करने के लिए बच्चों को बलि दे दी गई, स्कूल मशहूर हो गया, अखबारों में नाम आ गया, अब हमेशा के लिए बंद भी हो जाएगा। यानी आप समझ सकते हैं कि किस लेवल पर अंधविश्वास देश के अंदर चल रहा है। उत्तर प्रदेश से ऐसी अपडेट सामने कई बार आती रहती है दोस्तों, जो काफी गंभीर मामले हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी के युग में इस तरीके का अनपढ़ व्यवहार देखने को मिल रहा है जिसे अंधविश्वास भी कहा जा सकता है। अगर आप भी मानते हैं कि अंधविश्वास देश के लिए एक बहुत बड़ा संकट है तो अपनी राय जरूर लिखा जाएगा। साथ साथ चीन ने एक बार फिर अरुणाचल प्रदेश पर अपने क्षेत्रीय दावों को दोहराते हुए भारतीय पर्वतरोहियों की ओर से अरुणाचल प्रदेश की एक अनाम चोटी का नाम छठे दलाई लामा के नाम पर रखे जाने को लेकर नाराजगी व्यक्त की है। यानी जो पहाड़ भारत के अंदर है, जिसकी चोटी भारत के अंदर है, उसका नाम भारत ने रखा है, लेकिन विरोध चाइना कर रहा है। यानी आप समझ सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जो 2014 से पहले लाल आंख दिखाकर चाइना से बातें करने की बातें करते थे, लेकिन अब केवल वो बातें रह गई है। और यही बड़ा कारण है दोस्तों कि भारत अपने क्षेत्रों के नाम भी अगर रखता है तो इसे चाइना को दिक्कतें हो रही है और भारत के हर एक फैसले पर वो विरोध जताता नजर आता है। ऐसा लग रहा है कि हमारे देश की सरकार से उनको कोई खौफ ही नहीं है, कोई डर ही नहीं है, एकदम हल्के में लेकर चल रहे हैं। शायद यही बड़ा कारण है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी के लोग चाइना के साथ भारत
का बिजनेस कम नहीं करना चाहते हैं, चाहे इतने बड़े बड़े कांड हो जाए, लद्दाख में बड़े कांड हो जाए, देपचोंग में बड़े कांड हो जाए, गलवान में या फिर डोकलाम में इस तरीके के मामले सामने आ जाए, लेकिन बीजेपी की सरकार बिजनेस कम नहीं कर रही है। आपकी क्या राय है, क्या चाइना को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से विदेश नीति के मामले में फेल हो चुकी है? जो भी आपको लगता है लिखकर जो बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी तक पल पल की अपडेट पहुंचते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।